जेट एयरवेज, उसके प्रवर्तक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को मंगलवार को यहाँ की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने स्वीकार कर लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मामले में हस्तक्षेप से जुड़ी याचिका को खारिज किए जाने के एक दिन बाद ये आदेश आया है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन अदालत और एक सत्र अदालत यहां ईडी की ऐसी ही याचिका को खारिज कर चुके हैं। बता दें कि अकबर ट्रेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर इस साल फरवरी में यहां एमआरए मार्ग पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में जेट एयरवेज, नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। ATIPL ने आरोप लगाया था कि गोयल ने उनके साथ 46 करोड़ रुपए का धोखा किया। पुलिस ने मार्च में क्लोजर रिपोर्ट दायर करते हुए कहा था कि उन्हें शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ATIPL ने बाद में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने हालांकि मंगलवार को ATIPL की याचिका को खारिज करते हुए पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। ATIPL के वकील ने कहा कि वे विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद आगे के कदम पर फैसला करेंगे। उधर ईडी भी नरेश गोयल और बुरी तरह कर्ज में डूबी जेट एयरवेज के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत जांच कर रही है। बता दें कि जेट एयरवेज की उड़ानें पिछले साल अप्रैल से ही बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।